मुझे बहुत बाद में रिलाइज हुआ यार, ये लोग जो 11th एंड 12th पे पढ़ के आए हुए होते हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंग होता है ना। बेसिकली जो इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है वो एकदम अलग लेवल की चीजें पूछी जाती है। 11th एंड 12th तो एकदम बिल्कुल बच्चा है उनके सामने। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैंने तो अपने लोकल पे चला लिया, सही चल रहा है, बट ये ऑनलाइन कंपाइलर में नहीं चल रहा, क्या उसमें कोई इशू है क्या? यार ऑनलाइन कंपाइलर्स में इशू नहीं होता, हमारे कोड में इशू होता है। हमें अपनी ईगो साइड रखनी होती है, और ये मैंने भी गलती करी थी। परसिवरेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। शायद आज तेरे में वो टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट अगर तू 6 महीने लग के कर लेगा तो तेरे पास भी वो पोटेंशियल आ जाएगा टू सॉल्व क्वेश्चन। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीजें डिस्कस करने वाला हूँ विच आई शुड हैव नोन बिफोर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। और अगर ये 5 चीजें मुझे पहले पता होती डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने से पहले, तो मैं और बेटर वे में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ पाता, मैं और जल्दी वे में कर पाता, और आउटपुट भी बहुत सही निकलता। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 चीज ऐसी हैं जो तुम गलतियां ना करो, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, सो दैट यू गेट टू नो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो स्टे टिल एंड द वीडियो, एंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो लोग भी गलतियां ना करें, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट करा था तो एक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था। मतलब जैसे मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 11th एंड 12th में पढ़ के आए हुए थे प्रोग्रामिंग, और मैं हमेशा उनके सामने एकदम बोल ही नहीं पाता था, बिकॉज जैसे कुछ डिस्कस हो रहा है, कुछ सेमेस्टर का एग्जाम है, कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, तो मैं अगर पढ़ के आया हूँ और वो लोग सेम चीज पढ़ के आए हैं और वो लोग कुछ बोल रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा मैं उनकी बात मान लेता था, बिकॉज मेरे अंदर एक हमेशा था यार उन्होंने पहले से सीख कर आए हैं तो वही सही होंगे। बट व्हाट आई हैव लर्नड आफ्टर दैट इज कि यार बहुत जगह मैं सही होता था, वो लोग गलत होते थे। तो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ यार, ये लोग जो 11th एंड 12th पे पढ़ के आए हुए होते हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंग होता है ना। बेसिकली जो इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है वो एकदम अलग लेवल की चीजें पूछी जाती है। 11th एंड 12th तो एकदम बिल्कुल बच्चा है उनके सामने, है ना। तो उस चीज से तो बिल्कुल मत डरो, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो कि सामने वाले ने 11th एंड 12th में पढ़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं है। वो जो आज हम पढ़ने जाएंगे ना, वो बेसिकली 2-3 हफ्ते का काम है, तो उससे बिल्कुल मत डरो। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना, दूसरे ने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा उस पर बिल्कुल मत ध्यान देना, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। और अगर ये मेरे साथ होता ना तो मैं फर्स्ट ईयर के बाद बेटर कॉन्फिडेंस के साथ डीएसए कर पाता था। मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा चलती रहती थी, यार इन लोगों ने तो इतना पढ़ा हुआ है, ये करा हुआ है, वो चीजें ना बहुत इफेक्ट करती हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो वो मत आने देना। 11th एंड 12th वालों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और बहुत अच्छा करोगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने भी गलती करी थी, तो जब हम कोड करते हैं ना, ये मैंने क्या करा था शुरू में, जब 4-5 महीने थे तो मैं अपने लोकल एडिटर पे कोड करता था, है ना, कि यार मैंने कर लिया और थोड़े बहुत 2-3 टेस्ट केस, छोटे टेस्ट केस के लिए चला के देख लिया, सही चल रहा है, एंड आई मूव फॉरवर्ड। मतलब मैं कहीं सबमिट ही मारता था ऑनलाइन कंपाइलर पे कि यार मेरा कोड कोई चेक कर ले कि टेस्ट केस पे सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो जो 4-5 महीने मैंने बात सीखा ना, तो मेरे को फिर किसी ने बोला भाई तू चेक क्यों नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ तेरे बहुत सारे केसेस पे फटेगा कोड। और एक्चुअली हुआ, वो 4-5 महीने के बाद जब मैंने वो ऑनलाइन कंपाइलर्स पे सबमिट मारा तो मेरा कोड बहुत जगह नहीं चल रहा था। मतलब देर कम से स्टेज किया, मेरे को लगने लगा ये मैंने क्या कर दिया, तो उसकी वजह से वो मेरी 4-5 महीने में जो मैं कर सकता था वो मेरी 8-9 महीने में खिंच गई थी। वो गलती मत करना, साथ साथ सबमिट करो, फीडबैक मिले उस पर ठीक करो, वो इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसी से होगी। सबमिट करो, जब तक वो एक्सेप्टेड नहीं आ जाए उस क्वेश्चन में लगे रहना है, वो एक्सेप्टेड के बिना नहीं होगा। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैंने तो अपने लोकल पे चला लिया, सही चल रहा है, बट ये ऑनलाइन कंपाइलर में नहीं चल रहा, क्या उसमें कोई इशू है क्या? यार ऑनलाइन कंपाइलर्स में इशू नहीं होता, हमारे कोड में इशू होता है। हमें अपनी ईगो साइड रखनी होती है, और ये मैंने भी गलती करी थी यार, वो सबमिट करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारे को मिलेगा ही नहीं फीडबैक, उसके बिना हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि जो हमने लिखा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसकी वजह से मेरी तो 4-5 महीने फालतू की प्रिपरेशन एक्सटेंड हो गई थी, मुझे फिर से चीज़ों को चेक करना पड़ा था, मुझे फिर उसके बाद बहुत सी लर्निंग हुई थी, अच्छा इसको ऐसे वे में करना था, मैं ये गलती कर रहा था, वो चीज़ें मुझे सबमिट करने के बाद ही पता लगी थी। और इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसको लाइटली मत लेना, सबमिटिंग कोड एंड चेकिंग कोड कि वो हर टेस्ट केस के लिए चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार एक चीज़ जो मुझे हमेशा से लगती थी, तो मैं बेसिकली जब प्रिपरेशन कर रहा था तो क्लासेस में जाता था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था
पर्सनली कि मैं ही हूँ जो सॉल्यूशंस नहीं सोच पाता। तो मेरे जो साइड वाले हैं वो काफ़ी सही सॉल्यूशन सोच रहे हैं, वो लोग तो फिर भी बेटर वे में सॉल्व कर लेते हैं, मैं तो और बहुत स्लो हूँ कि यार मैं तो अभी सॉल्यूशन सोचा ही था, उन लोगों ने तो कोड वोड करके सबमिट भी कर दिया। तो यार बहुत एक डर बैठ जाता है कि यार मैं ही नहीं सोच पा रहा क्या सॉल्यूशन। और ये मेरे को उस टाइम कोई बोल देता ना कि ऐसा नहीं है, राइट? बहुत सारे लोग सॉल्यूशंस नहीं सोच पाते, जो एक्चुअली लर्निंग करना चाहता है उसके दिमाग में शुरू में सॉल्यूशंस नहीं आते। आज नहीं आ रहे ना सॉल्यूशन, तू 6 महीने लग के कर ले, तेरे सॉल्यूशन आने लग जाएंगे। तो मेरे को एक सीनियर ने कहा कि यार इट्स इंपॉर्टेंट तुम 6 महीने लगे रहो, आफ्टर 6 मंथ्स देखियो कि तेरे को सॉल्यूशन आ रहे नहीं आ रहे। परसिवरेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शायद आज तेरे में वो टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट अगर तू 6 महीने लग के कर लेगा तो तेरे पास भी वो पोटेंशियल आ जाएगा टू सॉल्व क्वेश्चंस। और ऐसा हुआ, जब मैंने अगले 6 महीने 7 महीने लग के डेटा स्ट्रक्चर्स करा तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग गया और वो मेरे अंदर एक स्ट्रांग पावर आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अमेजोन में निकाली, तो ओवरऑल मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छा करा, पढ़ाया भी लोगों को, तो दैट रियली हेल्प। शुरू में नहीं आता, आज नहीं आता, बट लगे रहोगे तो 6 महीने बाद तुम बहुत बेटर स्टेज पे होगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है? तो ये गलती मत सोचना कि यार मैं ही नहीं सोच पाता सॉल्यूशन, बहुत गलत चीज़ है। बहुत लोग नहीं सोच पाते, और अगर कुछ लोग सोच पा रहे हैं वो शायद आज सोच पा रहे हैं, तुम आज नहीं सोच पा रहे, तुम 6 महीने बाद सोच पाओगे, ठीक है? तो वो चीज मत दिमाग में लाना कि मैं ही सॉल्यूशन नहीं सोच पाता, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिराएगा और फालतू का गलत जगह ले जाएगा तुम्हें इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है? लगे रहो 6 महीने लगे रहोगे एंड यू विल बिकम ग्रेट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब मैंने तैयारी करी थी, आई थिंक मैंने एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से तैयारी करी थी कि एरेस के सीखा, पहले एरेस, फिर एरेस के क्वेश्चन कर लिए, फिर स्ट्रिंग सीखा, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन कर लिए, लिंकलिस सीखा, लिंकलिस के क्वेश्चन कर लिए, क्यूज, ट्रीज, ऐसे प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसे मैंने 200 से 300 क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ द थिंग विच आई हैव मिस्ड इज, अब जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आता है, और ये तुम लोग भी फेस करते होंगे, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता ये कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुमने हमेशा से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छा क्यू का क्वेश्चन है तो क्यू ही यूज होगा, पहले ही पता है क्यू यूज होगा। प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन, अच्छा प्रायोरिटी क्यू ही यूज होगा। तो हमेशा से जब हम शुरू में देखो बिल्कुल करो, उसी से तुम्हें समझ में आएगा कि कहां प्रायोरिटी क्यू लगेगा, क्यों लगेगा। बट आफ्टर डूइंग दोस 200 टू 300 क्वेश्चंस, एक नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तुम्हें सिखाएगा इस क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगेगी, ये क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हो जाएगा, ये क्वेश्चन प्रायोरिटी क्यू से हो जाएगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम तभी सीख पाएंगे, हमें वरना समझ ही नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा एल्गोरिथम लगाना है या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाना है। तो मैंने ये करा था, मैंने मतलब जब प्रैक्टिस कर ली, 200 से 300 क्वेश्चंस कर लिए, अब रैंडम क्वेश्चन आता था मेरे को डर लग जाता था, हो ही नहीं रहा वो तो क्वेश्चन, मैं सोच ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैंने 100 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस नहीं करे जिनमें रैंडमली सोचना है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर सीखना तो इंपॉर्टेंट है, बट अप्लाई करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में एप्लीकेशंस पूछी जाएगी, वो तुम्हें नहीं बताने वाला ये क्यू का क्वेश्चन है या ये प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन है, वो तुम्हें एक रैंडम क्वेश्चन देगा और वहां सोचना है। तो आफ्टर दोस 200 टू 300 क्वेश्चंस, हमें 100 क्वेश्चंस नेक्स्ट अच्छे से बनाने हैं टू क्रैक दोस क्वेश्चंस, है ना? मतलब टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो मेरे को डर नहीं लगता, और वो तभी जाएगा अगर तुम वो 100 क्वेश्चंस रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? तो ये गलती मत करना, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से सीखो, बट आफ्टर दैट प्रैक्टिस रैंडम 100 क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? नाउ द लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह सब लोग बोलते थे, या मैंने जो सीनियर से सुना था, उन्होंने बोला यार इंटरव्यू में ना बेस्ट सोल्यूशन ही देना होता है, तभी एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है? बेचाइए कि बेस्ट सोल्यूशन देना होता है। तो मैंने क्या करा, जब मैं सोल्यूशन सोच रहा हूँ अब, तो मेरा एक ही जगह दिमाग जा रहा है। शुरू में मैं किसी तरीके से सोल्यूशन में नहीं पहुंच रहा हूँ, कोई भी सॉल्यूशन पे मैं क्या सोच रहा हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन सोचना है, ऑर्डर एन में करना है, ऑर्डर एन में करना है, ऑर्डर लॉग एन में करना है, बहुत खराब जगह चले जाते हो। अगर तुम पहले ही ये सोचना शुरू कर दो कि मैं बेस्ट सॉल्यूशन से करूंगा, तुमसे होने नहीं वाला क्वेश्चन। और ये मेरे साथ हुआ, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था तो बेस्ट सॉल्यूशन एकदम दिमाग में आता नहीं था, बिकॉज मैं अपने आप को स्टार्ट समझने लगा था। यार अब जब सीख लिया है तो अब होने लगेंगे ना, बेस्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली सोचते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग डायरेक्ट इटरेटिव सॉल्यूशन लगाते हैं, बट नहीं हो रहे थे क्वेश्चन। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि वो बेस अच्छे से सेटअप नहीं है। वो तभी आएगा जब तुम एक क्वेश्चन को देखो, उसको किसी भी तरह पहले सॉल्व करो,
हैव दैट थिंकिंग, पहले तो इसको किसी भी तरह सॉल्व कर दूंगा। डायरेक्टली बेस्ट सॉल्यूशन का दिमाग मत लगाओ, कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हैं, उससे समझ में आ जाता है, ऑर्डर इन लगेगा, ऑर्डर इन सोचने लग जाते हैं। यार इंटरव्यू में ऐसे नहीं होता, इंटरव्यू में कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं आते ना, इंटरव्यू में क्या आता है, क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करो कि मैंने देख लिया और इसको ऐसे तरीके से तो पक्का सॉल्व कर सकते हैं। और जब वो देख लोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा यार इसमें मैंने ये ना एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है, ये कर दूंगा तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, सॉर्टिंग लगा दूंगा तो शायद एन लॉग एन में हो जाएगा। ये चीजें तब आएंगी जब तुम पहले उसको किसी भी तरह सॉल्व कर दो, फिर यू विल रियलाइज तुम क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, फिर यू विल रियलाइज क्या कुछ सॉर्टिंग से कुछ हो जाएगा क्या, फिर तुम उसमें फर्दर ऑप्टिमाइज कर पाओगे। एन लॉग एन भी ज्यादा लग रहा है यार, एन में फर्दर मूव कर सकते हैं, बट अप्रोच यही होनी चाहिए, पहले सॉल्यूशन को किसी भी तरह सॉल्व करो, फिर रियलाइज होगा ये गलती कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा काम लग रहा है, फिर उसको बचाओ। दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट रीचिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, हमेशा ही ऐसा होगा। डायरेक्टली बेस्ट सॉल्यूशन सोचने की कोशिश मत करना, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने ये गलती करी थी, तुम मत करना। ट्राई टू हैव ईगो साइड रख के कि पहले किसी भी तरह सॉल्व करूं और फिर धीरे धीरे उसको बेस्ट सॉल्यूशन पहुंचा दूं, उससे बहुत अमेजिंग लर्निंग होगी, उससे बहुत अमेजिंग इंप्रूवमेंट होगी। तो मैंने ये पांच चीजें तुम्हें बता दी जो मैंने गलतियां करी थी, जो बेसिकली मैंने, अगर मैंने ये गलतियां नहीं करी होती तो मैं शायद जल्दी सीख जाता, रैदर देन लर्निंग इन 8 to 9 months मैं शायद 4 to 5 महीने में सीख जाता, क्योंकि मेरे को रिपीट करना पड़ा था कुछ कुछ काम, शायद मैं बेटर वे से सीख पाता और मैं शायद आउटपुट मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंटली सीख पाता। अभी मैंने क्या सीखा, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होके सीखा था, बट धीरे धीरे पहुंच गए, लगे रहे, परसिवरेंस रखी तो पहुंच गए उस स्टेज पे, बट शायद और बेटर तरीके से कर सकता था। तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तुम अच्छे से फॉलो करो, ये गलतियां मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लगे रहो, एंड यू विल बिकम ग्रेट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ओके, कोई और चीज लगती हो तुम्हें जो तुम्हारे लिए बेटर वर्क करती है, प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट। लाइक एंड शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, एंड थैंक यू सो मच, बट गुड बाय।